साथियों, भारतीय जनता पार्टी इसकी शक्ति सादगी और सदाचार की रही है। भारतीय परंपरा की ये चिरस्थायी मूल्य हमें विरासत में मिले। अटल जी, अडवाणी जी, जोशी जी सहित अनेक भारतीय जनता पार्टी को हर स्तर पर हमारी पुरानी पीढ़ियों ने नेतृत्व दिया है। हर व्यक्ति ने इन मूल्यों को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है। सादगी और सदाचार भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए मजबूरी नहीं बल्कि जरूरी है। देश स्वाभाविक रूप से हमसे यह अपेक्षा करता है। और इसलिए भाइयों, सदस्यता अभियान में जब जा रहे हैं तब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इस मंत्र को लेकर के जीने वाले हम लोग समाज के हर वर्ग को भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनाना है। हमारा संगठन सर्वव्यापी हो, हमारा संगठन सर्वस्पर्शी हो, हमारा संगठन सर्वसमावेशी हो। समाज का कोई भी वर्ग भाजपा के परिवार से बाहर नहीं रहना चाहिए। हर वर्ग का प्रतिनिधि भाजपा परिवार का हिस्सा होना चाहिए। साथियों, जब हम सरकार में होते हैं, जब संगठन जमीन की सच्चाई ऊपर तक पहुंचाता है संगठन, और कार्यकर्ता के नाते वो जमीन से जुड़ा हुआ होता है, वो लोगों के सुख दुख को जानता है, समाज की ताकत को व्यवस्था तक पहुंचाता है। गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गांव में हो, शहर में हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, हर एक के साथ हमें जुड़ना है, हर किसी को जोड़ना है। उस तबके के लोगों में क्या चल रहा है, उनकी अपेक्षाएं क्या है, क्या बदलाव चाहते हैं, जब हम उनसे जुड़ते हैं तब पता चलते हैं। और सरकार निर्जीव हो या सजीव हो, व्यवस्थाएं संगठन की सदा सर्वदा जीवंत होती हैं, जो जिंदगियों से जुड़ी हुई होती है। भाइयों और बहनों, एक कार्यकर्ता के तौर पर, भाजपा के सदस्य के नाते अपने आप को हमें कभी कम नहीं आंकना चाहिए। भाजपा का कार्यकर्ता कमाल कर सकता है। आज अगर हमें विजय मिल रही है तो उसके पीछे कार्यकर्ताओं का खून पसीना ही होता है। जहां कभी हमारा आधार भी नहीं था, वहां भी संगठन को मजबूत करने के लिए हमारे कार्यकर्ता निरंतर लगे रहे। इसी का परिणाम है कि आज पूर्व, उत्तर पूर्व और दक्षिण भारत में भी सबसे बड़े दल के रूप में हम उभरे हैं। इसी निरंतरता को हमें बनाए रखना है। और जहां हम अभी भी नहीं पहुंच पाए, वहां पहुंचना है।